हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 300 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 3। इसमें हम लोग नवंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। यूथ कोलैब जो कि क्या है, यूथ इनोवेशन मूवमेंट है, अटल इनोवेशन मिशन और किस संस्थान की एक पहल है। आपके पास ऑप्शन है UNDP, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है SEBI, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो जो यूथ कोलैब है क्या है, यूथ इनोवेशन मूवमेंट है या अटल इनोवेशन मिशन, UNDP इंडिया और SETI फाउंडेशन की पहल है। SETI फाउंडेशन भी साथ में है, SETI फाउंडेशन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNDP, या ऑप्शन में मिल सकता है UNDP इंडिया। और इसका 5वां संस्करण अभी लॉन्च हुआ है। तो आपको याद क्या रखना है, यूथ कोलैब क्या है, यूथ इनोवेशन मूवमेंट है और यह अटल इनोवेशन मिशन, UNDP इंडिया और SETI फाउंडेशन की पहल है। इन तीनों ने मिलके लॉन्च किया है इसका 5वां संस्करण। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय पहल को COP15 द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन द्वारा मान्यता दी गई है। आपके पास ऑप्शन है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन बी है नमामि गंगे, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नमामि गंगे। किस भारतीय पहल को COP15 द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन द्वारा मान्यता दी गई है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नमामि गंगे। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संरचित अभ्यास आयोजित करता है। आपके पास ऑप्शन है भारतीय सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय तटरक्षक, ऑप्शन डी है भारतीय नौसेना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संरचित अभ्यास आयोजित करता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, या तो स्ट्रीट वेंडर के लिए है, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री कौशल को नाम कार्यक्रम, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, शॉर्ट में बोलते हैं PM विकास। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार ऑफिशियल पार्टनर बनी। आपके पास ऑप्शन है टाटा स्टील, ऑप्शन बी है जियो, ऑप्शन सी है ओला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टाटा स्टील। कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की ऑफिशियल पार्टनर बनी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टाटा स्टील। और FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है, तो जर्मनी ने। और ग्लोबल पार्टनर बनी थी JSW या और जिंदल फाउंडेशन, ठीक है, जिंदल और JSW ये दोनों ग्लोबल पार्टनर थे और ऑफिशियल पार्टनर कौन था, टाटा स्टील। नेक्स्ट आते हैं, और जर्मनी ने क्या जीता है, FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में $5 मिलियन के योगदान की घोषणा की। आपके पास ऑप्शन है G20, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी है SAARC, ऑप्शन डी है G7। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आसियान। भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में $5 मिलियन के योगदान की घोषणा की, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आसियान। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। आपके पास ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो अब मैं ऑप्शन ए पढ़ रहा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा, ठीक है, टाइम भी बचेगा आप लोगों का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2021 में। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? 2021 में। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 15 अगस्त 2021 को। और इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 19,744 करोड़ किसके लिए, फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सरकार ने कितने रुपये अप्रूव किए हैं फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो आंसर क्या होगा, 19,744 करोड़। अगले पॉइंट पे आते हैं, वित्त मंत्री ने 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 5 मिलियन टन लक्ष्य की घोषणा की है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वित्त मंत्री ने 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कितने मिलियन टन लक्ष्य की घोषणा की, तो 5 मिलियन टन। अगला पॉइंट है हमारा, भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है। तो जो भारत का टारगेट है नेट जीरो कार्बन का, वो कब तक का है, 2070 तक का। और अगला पॉइंट है, भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। भारत ने कब तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक। पहले था 2030 तक, अब कितना कर दिया घटा के 2025 तक। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन पढ़ने की आदत है, सीधे आंसर देखते हुए चल रहे हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए। और जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया, एग्जाम में पूछ सकता है। लॉन्च्ड फ्रॉम वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। कहाँ से लॉन्च किया गया, वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। और यह कोलेबोरेशन है किसका, नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी का। और कंट्रीब्यूशन किसका है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूके स्पेस एजेंसी। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, तो अमेरिका ने। और यह कोलेबोरेशन है किसका, नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी का। लॉन्च कहाँ से किया गया, सबसे इम्पोर्टेंट, लॉन्च कहाँ से किया गया, वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। और कंट्रीब्यूशन है इसमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूके स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट आते हैं, किस टीम ने 2020 विश्व कप खिताब 2022 जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। किस टीम ने 2020 विश्व कप खिताब 2022 जीता, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंग्लैंड। और सैम कुरेन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। यहाँ पे डिटेल है, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान है? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए गोवा। कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को क्या मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसके अलावा मेगा स्टार चिरंजीवी को मिला है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। और इसके बाद आपको याद रखना है, स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा को मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 53rd IFFI। तो यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला है 53 में IFFFI में, तो स्पेनिश फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम को। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2022 में, 2022 का किसे, मेगा स्टार चिरंजीवी को। और स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा को क्या मिला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 53rd IFFFI। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पयाम इस्कांदरी द्वारा निर्देशित ईरानी फिल्म नरगेशी ने ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार जीता। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 53वें IFFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसने जीता, तो कौन सी मूवी है, फिल्म नरगेशी है और किसके द्वारा निर्देशित है, तो पयाम इस्कांदरी द्वारा। कौन सी किस देश की मूवी है, तो ईरानी फिल्म है। और फोकस कंट्री कौन था, तो फोकस कंट्री कौन रहा, फ्रांस। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है, तो गोवा है। इसके अलावा गोल्डन पिकॉक एट 53rd IFFI किसे मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड, तो स्पेनिश फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम को। मेगा स्टार चिरंजीवी को क्या मिला, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। और इसके अलावा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 53rd IFFI किसे मिला है, तो स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा को मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इसके अलावा पयाम इस्कांदरी द्वारा निर्देशित ईरानी फिल्म नरगेशी ने ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार जीता। और कौन सा देश फोकस कंट्री रहा, तो फ्रांस। नेक्स्ट आते हैं, ICMR और NARFBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा, हैदराबाद। ICMR NARFBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना अपनाई, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन। किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना अपनाई, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूरोपियन यूनियन। EU adopts ग्लोबल मिनिमम 50% टैक्स ऑन मल्टीनेशनल्स। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय मूल के नेता लियो वराडगर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। भारतीय मूल के नेता लियो वराडगर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट आते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 18 दिसंबर को। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कनाडा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान है, तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा कनाडा। वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप चैंपियन कौन सा देश है, सही आंसर क्या होगा, किसने जीता था फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता, तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा अर्जेंटीना ने। हराया किसे था, फ्रांस को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो विश्व कप हुआ था कतर में 2022 में, कब से कब तक खेला गया, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला गया। टूर्नामेंट के 22वें संस्करण में 32 टीमें और 64 मैचों में हिस्सा लिया गया।
जो फीफा विश्व कप हुआ 2022 में, कब से कब तक खेला गया? 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। और टूर्नामेंट के 22वें संस्करण में 32 टीम और 64 मैचों में हिस्सा लिया, 32 टीमों ने 64 मैच में हिस्सा लिया। और फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? लाइव। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना है, गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? तो कलियर मबापे को। कौन किस देश से है? फ्रांस से, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है। और इसके अलावा गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से है। और इन्हें बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड मिला है 2022 का, किसे मिला है? लियोनेल मेसी को। और इसके अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है? इमिलियानो मार्टिनेज को, किस देश से है? अर्जेंटीना से। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? एंजो फर्नांडिज को, कौन से देश से? अर्जेंटीना से। और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला है? इंग्लैंड को। तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले फीफा विश्व कप का खिताब किसने जीता 2022 में? तो अर्जेंटीना ने हराया था फ्रांस को। कहाँ पे हुआ था? कतर में। कब से कब तक खेला गया? 20 नवंबर से 18 दिसंबर। और इस टूर्नामेंट के 22वें संस्करण में 32 टीमों ने 64 मैचों में हिस्सा लिया। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर लाइव है, लाइव। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? तो कालियर मबापे को, किस देश से है? फ्रांस से है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से, कप्तान थे। और गोल्डन ग्लोव का अवार्ड किसे मिला? इमिलियानो मार्टिनेज को, अर्जेंटीना से। और फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? एंजो फर्नांडिज को, क्यों किस देश से है? अर्जेंटीना से है। और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला? तो इंग्लैंड को। और बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे मिला 2022 का? लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, RIL किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। RIL किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? भारत का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है उसका नाम है विक्रमएस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे डेवलप किसने किया है? उस कंपनी का नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो जो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है उसका नाम है विक्रमएस। इसे डेवलप किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड किसने सेटअप किया है? तो उस कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। कंपनी का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, तो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है नाम क्या है? विक्रमएस। डेवलप किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने, जो कि हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है। इसके अलावा भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड किसने सेटअप किया है? कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। तो उस कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ONGC की यू फील्ड तटवर्ती सुविधाओं का उद्घाटन किया? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ONGC की यू फील्ड तटवर्ती सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। और आपको यहाँ से याद क्या रखना है, यह कहाँ पे लोकेटेड है जो यू फील्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है? इन द बे ऑफ बंगाल कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कहाँ पे लोकेटेड है? क्या कृष्णा गोदावरी बेसिन में। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 30%। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 30%। नेक्स्ट आते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ तासीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ तासीगंग किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में। रायथू बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना। रायथू बंधु किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर होगा, 2030 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2030 तक। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हरियाणा में। किस राज्य में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं, आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अपडेटेड करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 10 वर्षों में। आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अपडेटेड करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10 वर्षों में। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साहित्य से। खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साहित्य से। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा दो पॉइंट और याद रखो आप, 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? तो मधु कंकड़िया को 31वां मिला है और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है डॉक्टर माधव हड्डा को। किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IEA। किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IEA। नेक्स्ट आते हैं, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। नेक्स्ट आते हैं, लोक सेवा प्रसारण दिवस ऑल इंडिया रेडियो में किस नेता की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 नवंबर को। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ भागीदारी की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भूटान ने। भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भूटान ने। नेक्स्ट आते हैं, फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 में से 3 स्तंभों पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के
चार में से तीन स्तंभों पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस मिलेट डे के रूप में मनाया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओडिशा। 2014 से पीएसई के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा जुटाई गई कुल राशि कितनी है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4.04 लाख करोड़ रुपये। 2014 से पीएसई के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा जुटाई गई कुल राशि कितनी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4.04 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CDRI। किस संस्था ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CDRI। और CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। नेक्स्ट आते हैं, चालू वित्त वर्ष में PMEGP स्कीम के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की है? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर ने। चालू वित्त वर्ष में PMEGP स्कीम के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की है? तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए भारत। कौन सा देश वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत की बाजरा की दो महत्वपूर्ण किस्में हैं, पर्ल बाजरा और सोरघम। तो आपसे पूछ सकता है सोरघम क्या है? तो बाजरा की किस्म है, और पहले पे इंडिया है, दूसरे पे नाइजर है, तीसरे पे चाइना है, और चौथे पे नाइजीरिया है, और पांचवें पे माली है। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने 2022 in 9 charts रिपोर्ट जारी की? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक ने। किस संस्था ने 2022 in 9 charts रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आते हैं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी मुंबई। 2022 में आईआईटी मुंबई की रैंकिंग थी कितनी, 42, और 2023 का जो आया हुआ है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें जो स्थान है आईआईटी मुंबई के कितने पे है, 40वें स्थान पे। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय AI पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय AI पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत को। किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत को। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब ने। किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सऊदी अरब में। नेक्स्ट आते हैं,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर CSC और इंडिया पोस्ट के माध्यम से सरकारी ई मार्केट प्लेस सेवाएं जेम लॉन्च की है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर्स और इंडिया पोस्ट के माध्यम से सरकारी ई मार्केट प्लेस सेवाएं लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, रॉक कट मूर्तियाँ और रिलीफ्स ऑफ द उन्नाकोटी जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। रॉक कट मूर्तियाँ जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, कहाँ पे? उन्नाकोटी का। किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, त्रिपुरा। और किसे किसे यूनेस्को के अस्थायी धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो एक तो हो गया गुजरात का वडनगर टाउन, फिर द आइकॉनिक सन टेम्पल एट मोढ़ेरा, और किसे किया गया है? तो जो रॉक कट की मूर्तियाँ हैं उन्नाकोटी का, त्रिपुरा में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेजबान है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी। कौन सा शहर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाराणसी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम ने। किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम ने। आखिरी कैंडे फिर पे आते हैं, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्था की पहल है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्था की पहल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।